सो फ्रेंड, काफ़ी लंबे समय के बाद सैमसंग ने एक ऐसा डिवाइस यहाँ पर लॉन्च कर दिया है जो कि बजट सेगमेंट में आप लोगों को काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करवा रही है, जिसका मॉडल नंबर है सैमसंग गैलेक्सी M10। तो आज इस डिवाइस के मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस डिवाइस के बॉक्स में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल जाएगा और ये डिवाइस कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड, ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी M10 का बॉक्स। तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा आप लोग को बॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल नंबर लिखा हुआ है M10। अगर बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं जिसे मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M10 16GB। तो ये जो वेरियंट है हमारे पास 2GB और 16GB वाला वेरियंट है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग को इन्फिनिटी वी डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, डुअल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्लिम डिज़ाइन है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इसके बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। प्राइस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2GB और 16GB वाला वेरिएंट का प्राइस है 8,190 रुपए, लेकिन ये आप लोग को ऑनलाइन मार्केट में 7,990 रुपए में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसे फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग को और क्या क्या देखने को मिल जाता है इसके बॉक्स में। तो बॉक्स ओपन करते हैं, यहाँ पर आप लोग को एक और बॉक्स देखने को मिलेगा, तो इसे भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक गाइड देखने को मिल जाएगा, वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को पेपर वर्क देखने को मिलेगा, उसके सिवा यहाँ पर आप लोग को कोई भी कवर देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी की तरफ से इस डिवाइस में कोई कवर नहीं आया है। तो इसे हम कर लेते हैं साइड में और देख लेते हैं हमारे मेन डिवाइस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिवाइस है हमारे पास ब्लू कलर में अवेलेबल है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्यारा लग रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बॉडी आप लोग को देखने को मिलेगी, ये मेटल की बॉडी नहीं है, जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और फ्रंट से ही आप लोग को ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसे हम लोग कर लेते हैं साइड में और बाकी चीज़ों पर यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं कि और क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को एक डाटा केबल देखने को मिल जाएगा जो कि माइक्रो USB टू USB का केबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये USB टू माइक्रो USB का आप लोग को केबल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सी टाइप पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आप लोग को M20 में देखने को मिलता है। तो इसे भी हम कर लेते हैं साइड में और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक चार्जर देखने को मिल जाएगी, तो ये एक नॉर्मल चार्जर है, मैं आप लोग को रेटिंग दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है 5 वोल्ट और 1 एम्पीयर का एक सिंपल चार्जर है, एक नॉर्मल चार्जर है, यहाँ पर आप लोग को फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे भी हम कर लेते हैं साइड में और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बॉक्स में आप लोग को एक सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाएगा आपके डिवाइस के लिए, जिससे आप अपने सिम ट्रे को बाहर निकाल पाएंगे। तो इसे हम कर लेते हैं साइड में और चलते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो ये रहा हमारा डिवाइस। तो इस डिवाइस को मैं कर लेता हूँ ऑन कुछ इस तरीके से। ये देखिए पावर की को मैं यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ और ये रहा हमारा डिवाइस। तो ये डिवाइस जैसे ही ऑन होता है इसका मैं सेटअप कंप्लीट करता हूँ और फिर से आता हूँ आप लोगों के पास और बाकी की चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा डिवाइस सेटअप हो चुका है। सेटअप होने के बाद आप लोग को जो फर्स्ट व्यू मिलने वाला है आपके होम स्क्रीन पर वो कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। बात कर ले अगर मेनू पेज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को कुछ इस तरीके का मेनू पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सारे एप्लीकेशन सिस्टमेटिक तरीके से सेट किए गए हैं सैमसंग की तरफ से और यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। चलिए वहीं पर बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन पैनल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन पैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। और यहाँ पर आप लोग को ब्लू लाइट फिल्टर भी देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट व्यू भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को भी साउंड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपके इस डिवाइस पर। तो ये काफी अच्छी बात है। बात कर लेते हैं यहाँ पर सेटिंग इंटरफेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग को सेटिंग का कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोग को सैमसंग के महंगे डिवाइस में भी आप लोग को ऐसा ही सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। तो ये काफी अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पर आप एक 7,990 रुपए का डिवाइस यूज कर रहे हैं, फिर भी आप लोग को यहाँ पर आप लोग को प्रीमियम फील करवाने वाला है ये डिवाइस। आप लोग को कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक कम बजट का डिवाइस यूज कर रहे हैं। चलिए उसके बाद मैं आप लोग को सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन की तरफ ले चलता हूँ। तो उसके लिए हम चले जाते हैं अबाउट फोन पर। अबाउट फोन पे जाने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिवाइस है ये रन कर रहा है 8.1.0 यानी कि ओरियो पर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पे बात कर लें सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन की, तो यहाँ पर आप लोगों को 9.5 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल की, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 1 जनवरी 2019 का जो है सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाएगा, जो कि समय के साथ अपडेट के साथ बढ़ता रहता है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिवाइस के बारे में। तो आप लोग को मैं इस डिवाइस के बारे में सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसके डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है। अपने इस प्राइस पॉइंट में आप लोग को पहला ऐसा डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि आप लोग को इतना बड़ा डिस्प्ले इतना बड़ा डिस्प्ले आप लोग को देखने को मिलेगा आपके डिवाइस में। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को एक वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलेगा। तो इतने कम प्राइस में ये पहला डिवाइस है जो आप लोग को छोटा सा यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच
अवेलेबल करवाता है अभी तक में। तो चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इस डिवाइस के डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को एक 6.22 इंच का आप लोग को एक PLS TFT स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप सुनते हैं TFT स्क्रीन, तो अगर आप लोग को ये लगता है कि इसका जो TFT स्क्रीन है वो अच्छा नहीं होगा, तो मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर सैमसंग ने काफ़ी अच्छे से काम किया अपने डिस्प्ले के ऊपर। यहाँ पर आप लोग को जो ब्राइटनेस लेवल है इस डिस्प्ले का वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर जो व्यू एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आप लोगों को जो कलर है वो भी काफी पंची देखने को मिलेंगे। तो ये डिस्प्ले आपको कहीं भी निराश नहीं करेगा। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं रेशियो के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को 19:9 का रेशियो देखने को मिल जाएगा, उसका सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। PPI की अगर बात करें तो यहाँ पर 270 का PPI आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आपके इस डिस्प्ले में। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले रिजोल्यूशन के बारे में। तो ये आप लोगों को मिल जाएगी 720p HD प्लस डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एक फुल HD डिस्प्ले नहीं है, लेकिन 720p प्लस की डिस्प्ले आप लोग को देखने को मिल जाएगी आपके इस डिवाइस में। OS की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को एंड्रॉइड वर्जन 8.1 ओरियो का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, और वहीं पे आप लोग को सैमसंग एक्सपीरियंस का 9.5 का UI देखने को मिल जाएगा आपके इस डिवाइस में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चिपसेट की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को सैमसंग का खुद का एक्जीनोस का 7870 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 14 नैनोमीटर पर बना हुआ है और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 1.6 गीगाहर्ट्ज़ पर रन करता है और कोर्टेक्स A53 पर बेस्ड है। तो ये एक अच्छा खासा प्रोसेसर है। अगर यहाँ पर सैमसंग एक नया प्रोसेसर आप लोग को इस प्राइस पॉइंट में देता तो ये फ़ोन और ज़्यादा अच्छा कर सकता था इस मार्केट में। बट अगर यहाँ पर आप लोग को एक 7870 का प्रोसेसर दिया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, हालांकि ये थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और आपके डेली यूज़ में आप लोग को कोई भी ट्रबल नहीं करने वाला। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं मेमोरी की। तो ये जो डिवाइस है हमारे पास है, ये है 2GB और 16GB वाला वेरिएंट, और इसी डिवाइस में आप लोगों को मतलब M10 में आप लोगों को एक और वर्जन देखने को मिल जाएगा, जो कि आता है 3GB रैम और 32GB रोम के साथ। तो आप लोग के पास दोनों ही ऑप्शन है, आप दोनों डिवाइस में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कैमरे डिपार्टमेंट की। तो मैं आप लोग को बता दूं तो यहां पर आप लोग को 13+5 मेगापिक्सल का कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, एक डुअल कैमरा है। तो यहां पर आप लोग को जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है वो है F1.9 एपर्चर का, और जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है F2.2 एपर्चर का। जो यहां पर आप लोगों को सेकंड कैमरा देखने को मिल जाएगा वो एक वाइड एंगल कैमरा है, तो आप इस डिवाइस से काफी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, एक वाइड फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये भी अपने सेगमेंट फर्स्ट का जो ऐसा डिवाइस है जिसमें आप लोगों को एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा इस प्राइस पॉइंट में, तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे। फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इसे डिजाइन किया गया है, ये अपने नॉच पे ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और ये 5 मेगापिक्सल का है जो कि F2.0 को सपोर्ट करता है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं इसके बैटरी की। तो यहां पर आप लोग अच्छी खासी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि है 3400 mAh की बैटरी। तो अगर आप अपने डिवाइस को डेली यूज करते हैं एक फुल चार्ज में, तो आप लोग को ये एक दिन का बैटरी बैकअप निकाल कर दे देगा काफ़ी अच्छे से। तो चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर आप लेते हैं 2 और 16GB वाला वेरिएंट, यानी कि 2GB रैम और 16GB वाला वेरिएंट अगर आप बाई करते हैं, तो आप लोग को ये पड़ेगा 7,990 रुपये में। अगर आप 3 और 32GB वाला वेरिएंट बाई करते हैं तो आप लोग को पड़ जाएगा 8,990 रुपये में। यहाँ पर 1,000 रुपये का फर्क आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए थोड़ी सी फिजिकल ओवरव्यू भी मैं आप लोग को दे दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं आप लोग को फोकस करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को जो नॉच है, एक वाटर ड्रॉप नॉच जिसे इन्फिनिटी वी डिस्प्ले कहा है सैमसंग ने, तो यहाँ पे आप लोग को ये अपना कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि 5 मेगापिक्सल का है फ्रंट में। यहाँ पर मैं बात करूँ उसके जस्ट ऊपर, तो यहाँ पे आपका मेन ईयरपीस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को सेकंड माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉइस कैंसिलेशन के काम में आने वाला है। अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपके सारे की आप लोग को होम पे ही देखने को मिल जाएंगे, मतलब स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि होम का की हो गया, बैक का की हो गया, रिसेंट का की हो गया। उसके बाद नीचे की अगर हम बात करें तो मैं आप लोग को यहाँ पर फोकस करके दिखा दूँ कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ पे आप लोग को 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपने म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे आपका चार्जिंग स्लॉट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर मेन माइक्रोफोन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं राइट साइड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपने म्यूजिक को मतलब म्यूजिक के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को पावर की की देखने को मिल जाएगी, जिससे आप अपने डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और लेफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग को सिम ट्रे देखने को मिल जाएगा, जिसे मैं आप लोग को ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं, तो मैं इसे पुश कर लेता हूँ यहाँ पे से, और ये रहा हमारा सिम ट्रे। तो सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे सैमसंग के इस डिवाइस की कि इतने कम प्राइस में भी आप लोग को ट्रिपल शॉट देखने को मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो आप अपने डुअल सिम को और मेमोरी कार्ड को आराम से एंजॉय कर सकते हैं एक साथ, तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। तो अगर आप अपने लिए 2GB और 16GB वाला वेरिएंट भी लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसमें मेमोरी कार्ड लगाकर अपने मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं बैक साइड की। तो आप बैक साइड से भी देख सकते हैं ये जो डिवाइस है काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ पर आप लोग को बॉडी में जो मिलने वाली है प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट की बॉडी है और ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है, तो थोड़ा बहुत फिंगरप्रिंट यहाँ पर ये कैप्चर कर
कर लेती है, इसके लिए आप लोग को अपने डिवाइस पर एक कवर लगाकर रखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कैमरा सेटअप मिल जाएगा 13+5 मेगापिक्सल का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। डुअल कैमरा का आप लोग को सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपकी LED फ्लैश देखने को आप लोग को मिल जाएगी, यहाँ पर सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आप लोग को एक स्टिकर देखने को मिल जाएगा जिसे आप बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका मेन स्पीकर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आप लोग कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे इस डिवाइस में आप लोग को फेस आईडी भी दिया गया है, तो उसे मैं आप लोग को एक्सेस करके दिखा देता हूँ कि वो कितना फास्ट और एक्यूरेट है। तो यहाँ से मैं अपने डिवाइस को कर लेता हूँ पहले लॉक, ये देखिए। उसके बाद अगर मैं अपने डिवाइस की तरफ देखूँ और मैं अपने डिवाइस को वेक करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेता है, कुछ सेकंड का, और ये अनलॉक हो जाता है। फिर से मैं इसे लॉक कर देता हूँ, मैं अपने डिवाइस की तरफ नहीं देख रहा हूँ और मैं अपने डिवाइस की तरफ देखता हूँ और ये अनलॉक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट और काफ़ी एक्यूरेट है यहाँ पर इसका जो अनलॉक है, ये देखिए फेस आईडी, ये काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट है। और यहाँ पे आप लोग को छोटा सा एनिमेशन भी बनता हुआ दिखेगा, ये देखिए जब ये एक्सेस करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर आप लोग को एक छोटा सा एनिमेशन दिखने को मिलेगा जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है मुझे। चलिए मैं फिर से आप लोग को एक बार अनलॉक करके दिखा दूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट है, और कुछ ही सेकंड के लिए आप लोग को लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगी और ये क्विकली अनलॉक हो जाता है। तो ये डिवाइस अपने प्राइस पॉइंट में सैमसंग के ब्रांडिंग के साथ मुझे काफ़ी पसंद आया है। बाकी आप बताइएगा कि आप लोग को ये डिवाइस कैसा लगा, आप इस डिवाइस को इस प्राइस टैग में लेना पसंद करेंगे या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का इस वीडियो इसी टॉपिक के बारे में था, इसी डिवाइस के बारे में था। तो आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये डिवाइस की अनबॉक्सिंग आप लोग को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोज लेकर आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।